नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत से लोग जो हैं जो शर्ट की बाजू कटिंग करते हैं, मतलब बहुत से क्या सभी लोग ज़्यादातर शर्ट की बाजू कटिंग करते हैं इस तरीके से, और जो है कुर्ते की जो बाजू कटिंग करते हैं वो भी इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से यानी कि क्रॉस में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत से लोग जो हैं इस तरीके से सोचते हैं कि क्यों ना इस तरीके से बाजू की कटिंग करी जाए, ऐसे करके मतलब कपड़े को बिल्कुल सीधा करके। तो क्या ये बाजू ठीक रहती है, मतलब कपड़े को बिल्कुल सीधा करके इस तरीके से फिर हम बाजू की कटिंग करें, ये बाजू ठीक है अच्छी रहती है, या फिर जो है क्रॉस वाली बाजू ठीक होती है, कौन सी इसमें अच्छी होती है और किसकी फिटिंग अच्छी आती है, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, चाहे शर्ट हो चाहे हो कुर्ता, ओके, तो उसमें ज़्यादातर लोग इसी तरीके से क्रॉस में बाजू कटिंग करते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि ऊपर का हिस्सा इस तरीके से होता है और जो है नीचे का इस तरीके से, तो इधर एक साइड जो है वो हमारी अवरेप हो जाती है, इधर साइड ये अवरेप हो जाती है और एक साइड हमारी सीधी रहती है। तो देखिए, अब बात करते हैं जैसे कि कोट है, कोट की बाजू हमारी बिल्कुल सीधी काटी जाती है, बिल्कुल सीधी मतलब उसके जो तार हैं बिल्कुल सीधे रहते हैं। और जैसे कि कोई भी ब्लाउज कटिंग करें उसकी भी बाजू हमारी इस तरीके से हम बिल्कुल सीधी कटिंग करते हैं, इस तरीके से बिल्कुल सीधी, उसके बाद हम निशान लगाते हैं। या फिर सूट है, सूट में बिल्कुल सीधी इस तरीके से कपड़े को सीधा करते हैं और कटिंग करते हैं। तो इनमें जो है इनमें फ़र्क क्या आता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम सीधी वाली बाजू कटिंग करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाया, मैं आपको निशान लगा के दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारी बाजू 23.5 है, तो हमने इतनी रख दी लंबाई। अब ये कपड़ा बिल्कुल सीधा है, यहाँ पर से जो है हमने 3.5 इंच का निशान लगाया और यहाँ पर जो है हमने आर्मोर जो है वो 9 इंच रख दिया। ओके, और इधर साइड में ये जो है इधर साइड में हम रख रहे हैं 5.5 इंच या फिर 4.25 इंच, आपका जितना भी है इतना रख दिया। उसके बाद नीचे की साइड देखिए बिल्कुल ही सीधी आई है, ये शर्ट की बाजू और कुर्ते की मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमने एक निशान लगाया, यहां से जो है हम फंटी से ये हमारे निशान लग गए। अब ये जो है आप कुर्ते की भी इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं और शर्ट की भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें मतलब एक ये कटिंग हो गई और एक हम जब जैसे कटिंग करते हैं शर्ट की ज्यादातर, तो उसको बिल्कुल क्रॉस में कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे करके कटिंग करते हैं क्रॉस में। ओके, ये चीज या फिर कुर्ते के हैं, तो इसमें इसकी फिटिंग जो है किसकी अच्छी आती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो बाजू है ये वाली ये बिल्कुल सीधी आएगी, इसकी मतलब धारी वगैरह जो हैं ये इधर की और इधर की ये बिल्कुल सीधी आएंगी। कहने का मतलब जब कोई शर्ट पहनेगा या फिर कुर्ता कोई पहनेगा तो उसकी आस्तीन की जो फिटिंग है वो बिल्कुल सीधी आएगी और जो है इसकी फिटिंग एकदम अच्छी आती है। अब वो क्यों वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से कटिंग करते हैं, और आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत ज़्यादा क्रास में कर देते हैं इस तरीके से, मतलब बिल्कुल क्रास में इस तरीके से कटिंग करते हैं, तो इसमें होता है क्या, जब आप शर्ट में प्रेस लगाते हैं बाजू में प्रेस लगाते हैं तो देखिए एक तरफ जो है खिंचाव सा रहता है और एक तरफ ऐसा लगता है बैठ नहीं रही है हमारी बाजू आस्तीन की, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। और जब हम ज़्यादा क्रास में इसको कटिंग करते हैं इस तरीके से, तो होता क्या है कि ये जो बाजू है ये ऐसा लगता है एक तरफ घूम रही हो, घूमने की प्रॉब्लम आती है। तो लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं आएगी, ये बिल्कुल जैसी अपने काटी है उसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट और बहुत ही अच्छी आएगी, बैक साइड से भी और सामने से भी। तो लेकिन अब सवाल ये है कि हम जो है इस तरीके से क्यों काटते हैं शर्ट में ऐसे, क्योंकि फिर तो हमको इस तरीके से काटना चाहिए ना, ऐसे काटना चाहिए तो ये बिल्कुल ही सही रहेगा। तो देखिए, शर्ट में जो कपड़ा होता है वो मतलब उसकी लिमिट होती है, जैसे 2.25 मीटर होता है, 2 मीटर होता है। तो अगर हम इस तरीके से बाजू कटिंग करेंगे तो हमारा कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा इस बाजू से ख़राब होता है, क्योंकि देखिए इधर साइड से देखिए कितनी ज़्यादा कपड़ा हमारा ख़राब हुआ। इससे क्या होता है, इससे हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, ये जो कपड़ा है ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। अगर आपके पास कपड़ा बहुत ज़्यादा है शर्ट में, तो आप इस तरीके से बाजू कटिंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी।
लेकिन अगर आपके पास जैसे कि कपड़ा नहीं होता है ज़्यादा, लोगों पास कपड़ा ज़्यादा नहीं होता है, तो जो है हम इसीलिए इसको क्या करते हैं, क्रास में कर देते हैं। जब हम क्रास में करते हैं तो हमारा इधर साइड से जो कपड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है, तो इधर साइड से भी एक बाजू निकल आती है। अब शर्ट में लिमिट भर कपड़ा होता है, अगर हम सीधी बाजू काटेंगे सब में तो क्या होगा कि कपड़ा तो होगा नहीं, और तो हमें तीरा भी निकालना है, कफ कॉलर के लिए भी खर्चा वगैरह चाहिए होता है। तो इसीलिए हम जो है शर्ट है या फिर कुर्ता हुआ उसमें बिल्कुल ही जो है इसको क्रास में कर देते हैं इस तरीके से। लेकिन फिर भी हमने जो आप हम जो शर्टें काटते हैं उसमें आपने देखा होगा कि जब भी हम शर्ट काटते हैं तो कपड़े के हिसाब से देखते हैं कि ज़्यादा अगर मतलब कपड़ा थोड़ा सा है तो देखिए, जब भी हम शर्ट काटते हैं तो हम इस तरीके से बाजू कटिंग करते हैं। मैं आपको दिख बताता हूँ, जैसे कि इधर साइड से इस तरीके से हमने बिछाया। अब इधर साइड से जो है हमारी यहाँ पर हम रखते हैं 3.5 इंच, ओके, और इधर साइड से 9 इंच, और बाजू जो है वो है 23.5। यहाँ पर तो ये किनारा है, अब इधर साइड से देखिए हम कितनी निकालेंगे, 11। इसको हम थोड़ा सा और क्रास में करते हैं इस तरीके से। तो जब भी आपने शर्ट हम जब शर्ट कटिंग करते हैं या फिर आप भी करें, तो इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए हम थोड़ी सी बाजू को सीधा कर देते हैं, थोड़ा सा सीधा करते हैं। अब वैसे तो देखिए एक यहाँ पर आ रही है ये जो ये हमारा निशान इधर आ रहा है ना, और यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा कपड़ा यहाँ पर निकल रहा है, तो इससे क्या है कुछ हद तक मेरी बाजू सीधी हो जाती है। लेकिन अगर हम इस तरीके से इसको ऐसे बिल्कुल कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए अब आएगा 5.25 यहाँ पर, तो क्या है ये जो साइड है ये वाली, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा ओवरलैप टाइप की हो गई, और ये बैक का हिस्सा ये भी बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो गया। जब आप इसको जुड़ाई करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो नीचे का हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जुड़ाई करते समय। जब आप प्रेस लगाते हैं तो ये ठीक से बैठती नहीं है, जब ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए जब भी आप बाजू कटिंग करें तो अब देखिए बिल्कुल सीधी अगर आप कटिंग करेंगे तो आपके शर्ट में कपड़ा नहीं बचेगा इतना, फिर आपको प्रॉब्लम होगी खर्चा निकालने में। तो इसलिए आप जब भी बाजू की कटिंग करें या फिर कुर्ते की कटिंग करें, तो अगर जब आप इतना थोड़ा सा मान लीजिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये 9 इंच यहाँ पर है और यहाँ पर हमने रखी 5.5 या फिर 5.25, आपकी जितनी भी नाप हो उस हिसाब से रखें। और उसके बाद जो है उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्रास करेंगे। इस तरीके से तो क्या है, हमारी ये बाजू जो है कुछ हद तक सीधी हो जाती है, कुछ हद तक। देखिए इसके तार सीधे हैं और इधर वाले के इतने ज़्यादा फिर अवरेप नहीं होते हैं जितने होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए इतने ज़्यादा अवरेप नहीं होते हैं। तो अगर आप जब भी बाजू कटिंग करें तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो और ज़्यादा इसको सीधा कर सकते हैं, और कम कपड़ा है तो उस हिसाब से कम करें। लेकिन बहुत ज़्यादा कम है, आपको आपको तीरा भी निकालना है, सबको निकालना है, कभी कभार ऐसा होता है कपड़ा बहुत कम होता है तब हमने कटिंग करना, तो आप और ज़्यादा फिर क्रास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है थोड़ा सा, तो उसी हिसाब से आप थोड़ी सी बाजू सीधी करते हुए चले जाएं, तो इससे जो है ये आपकी बाजू अच्छी बैठेगी। खासकर जब फिटिंग की शर्टें होती हैं और फिटिंग की थोड़ी सी बाजू हो तो आपको ज़्यादातर बाजू थोड़ी सी सीधी ही काटना चाहिए। अब जितना कपड़ा हो उस हिसाब से आप उतनी सीधी इस कपड़े को सीधा कर सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इसको थोड़ा सा क्रास में कर दें। अब देखिए ब्लाउज है या फिर जो है सूट है, हम उसमें क्रास में इसको क्यों नहीं काटते, अगर हम उसको क्रास में, क्योंकि वो फिटिंग में बाजू होती हैं, अगर हम उनको क्रास में काट देंगे तो वो पहनने पर वो घूमेगी, वो ठीक से बैठेगी नहीं, क्योंकि फिटिंग की होती है ना एकदम। तो इसीलिए उनमें तो बिल्कुल ही हमको सीधा ही काटना होता है ऐसे करके। लेकिन शर्ट थोड़ी सी लूज होती है तो इसमें हम क्रास में कर देते हैं, तो इससे जो है इतनी ज़्यादा फर्क नहीं दिखता। लेकिन फिटिंग की बाजू हो और आप चाहते हैं कि हमारे आपकी अच्छी सी थोड़ी सी बाजू बैठे,
तो आपको जो है इसको हल्का सा सीधा रखना चाहिए। अब हम जब भी शर्ट, आप अगर आप पुराने व्यूवर हैं, आप देख रहे हैं, तो आपने जब भी देखा होगा हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको सीधा करते हैं, यहाँ पर का कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा निकलेगा हमारी बाजू में, इधर साइड का कम निकलेगा, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं थोड़ी सी सीधी रहे बाजू, तो ज़्यादा अच्छी बैठती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, और किसी पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।